नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देखना शुरू कर चुके हैं कच्चा चिट्ठा। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 14 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा कमरा, 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल वाला नया पता है। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में एक टीवी की भी व्यवस्था की गई है। और इसके पहले ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े तथ्यों की पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। ये दोनों नेता केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद आतिशी ने कल यानी कि 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे बड़ा पर्दाफाश करने का ऐलान किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल की ओर जाते इस वाहन को बहुत गौर से देख लीजिए। इस जेल वाहन में कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। जेल जाने से पहले कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जब जब जेल गए, आम आदमी पार्टी के 2 नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही मोर्चा संभाला और इन दोनों का नाम केजरीवाल ने पूछताछ में लिया है। क्या है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले से कनेक्शन? क्यों लिया केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम? कौन है शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर, जिसके बारे में केजरीवाल ने बताया कि वो उन्हें नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? जेल जाते जाते केजरीवाल ने क्या कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चली है? इन सबकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी केजरीवाल की जेल यात्रा की फुल रिपोर्ट। कोर्ट में आज जबरदस्त जिरह हुई। ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ में असहयोग करने का आरोप लगाया। ईडी ने दलील दी कि सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, केजरीवाल ने फोन का पासवर्ड नहीं दिया। कोर्ट ने इत्मीनान से सब सुना और फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस तिहाड़ जेल में पहले से ही शराब घोटाले के आरोपी कैद हैं। जेल में केजरीवाल के रहने का जो इंतजाम किया गया है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे। जेल में अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी हैं उनके ही पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जिन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया है। तिहाड़ के ही जेल नंबर 5 में है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और इन तीनों के पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल नंबर 7 में कैद हैं सत्येंद्र जैन, जबकि शराब घोटाले की आरोपी के कविता लेडी जेल नंबर 6 में। मुझे लग रहा है कि सुपारी जैसी पार्टी, इसको वो कहते थे आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है। अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के शरीर को आपने जेल में बंद कर दिया, लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल का रूप ले चुका है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। अरविंद केजरीवाल की राहें पहले मुश्किल हुई, अब कांटों से भरी दिख रही हैं। जेल से दिल्ली की सरकार चलाने की केजरीवाल की मंशा का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा है दिल्ली के 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले में नाम आने का। जिस समय ईडी के वकील दलील दे रहे थे उस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। जब ईडी ने अदालत के सामने कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया। जब ईडी अदालत को बता रही थी कि विजय नायर केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और
सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे तो वहां बैठे केजरीवाल ने इस बात का खंडन तक नहीं किया और वो चुप्पी साधे रहे। आतिशी गोवा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी रही थी, हालांकि ये बात उस वक्त की है जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों ही मंत्री पद पर नहीं थे। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया था। हालांकि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह ने पलटवार करते हुए ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब ही उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूं। सवाल है कि ईडी ने 1.5-2 साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है। ईडी क्यों नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल खेलना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि आप कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। विजय नायर की संलिप्तता आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी के तौर पर उनके कार्यकाल से जुड़ी हुई है। ये अवधि उससे बिल्कुल मेल खाती है जिस वक्त ये घोटाला हुआ था। ईडी के आरोप पत्र में विजय नायर पर साउथ ग्रुप के साथ बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर दिल्ली में शराब की खुदरा कारोबार में एंट्री के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत केजरीवाल सरकार को दी थी। ईडी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी समीर महिंदू ने अधिकारियों को बताया कि विजय नायर ने उसकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तय की थी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विजय नायर ने फेस टाइम वीडियो कॉल पर उसकी अरविंद केजरीवाल से बात कराई। ईडी का आरोप है कि इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंदू से कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें विजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का प्रभारी रहा है, वो एंटरटेनमेंट जगत का जाना माना नाम है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नायर ने इंडी बैलेंस के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML शुरू की थी। OML यानी ओनली मच लाउडर, ये एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है। विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंदू से 2-4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर अभी जेल में बंद है। शराब घोटाले की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री और नेता इस घोटाले की जद में आते जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम खुद केजरीवाल ने लिया है, तो इसके बड़े सियासी मायने हो सकते हैं। केजरीवाल के इस रहस्योद्घाटन के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और BJP आक्रामक बल्लेबाजी कर रही है। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी CBI के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसे, वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाए। इस बीच केजरीवाल ने तिहाड़ में वक्त काटने के लिए 3 किताबों को अपने पास रखने की अनुमति मांगी है। पहली भगवत गीता, दूसरी रामायण और तीसरी किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। केजरीवाल के पास तिहाड़ जेल में पढ़ने के लिए बहुत समय है, लेकिन अपने 2 और मंत्रियों का शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर ही भूचाल मचने की संपूर्ण संभावना है। हालांकि कानूनी पक्ष ये भी है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से राहत मिलने की अब संभावना ज्यादा रहेगी, जो कि ईडी की कस्टडी में रहते सरल नहीं था।